हे गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल एक बार फिर से हाजिर हुए हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर टू लेकर आज हम बताने वाले हैं विषय रसायन शास्त्र जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलिए सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं कुल पैंतीस प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है ये सारा चीज़ वहाँ लिखा हुआ रहेगा तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन और हम इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप लोग हिंदी जो राइट right साइड में लिखा हुआ आप लोग देखेंगे उसका आंसर हम सर्किल कर चुके हैं आप लोग उसको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर वन द नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटोमिक एलिमेंट्री सबस्टांस इज इक्वल टू वन यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा और एक चीज़ बता one, मैं बता दूं सेट नंबर वन में पहले ही वीडियो में ला चुका हूं तो वीडियो को देख लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा इसका हंड्रेड परसेंट ऑथेंटिक आंसर हम बताने बता रहे हैं और एक चीज़ और बता दें अधिक से अधिक संख्या में अगर कमेंट करेंगे तो इसका मैं बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा लेकिन कमेंट आप लोगों को करना होगा अधिक से अधिक संख्या में लेकिन हमारे पिछले वीडियो में भी कोई भी कमेंट नहीं आया था तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दो मोलरिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग टू ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.25 व्हेन Molten NaCl is electrolyte the product obtained at cathode is आंसर होगा सोडियम मेटल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्मोनियम आंसर डी होगा बक्साइट ठीक है क्वेश्चन नंबर द लिस्ट स्टेबल हाइड्राइड ऑफ़ ग्रुप एलिमेंट इज़ मैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन तो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे करूँगा और वो वीडियो जबरदस्त होगा तो आप लोग वीडियो को देखिएगा और इसका आंसर जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स फॉलोविंग इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट एंसर होगा डी जिंग आप लोग हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं वो देखेंगे आंसर right होगा बी सी एच थ्री सी एच टू ओ एच और ब्रैकेट के अंदर में एक वस्त लिखा हुआ ये भी गौर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर एट एन एटम एट दॉडी सेंटर ऑफ एल कंट्रीब्यूट टू दूनिट सेल

क्वेश्चन नंबर एलेवन वन वन आरकल प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट जिरकोनियम इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एटोमिकॉस्फोरस इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर इसका आंसर होगा फोर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन सी एच थ्री सी एच टू आई प्लस एल्कोहलिक A, CH3, CH2 C. ठीक है तो आगे बढ़ेंगे अभी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन द परसेंटेज ऑफ एवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाइड इनल क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन सी इसका करेक्ट आंसर होगा सेवेंटी फोर परसेंट और हिंदी में यहां देख सकते हैं क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एसमोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इसका आंसर होगा बी इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग आइंस इज कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन बी विल बी करेक्ट आंसर यानी बी थ्री प्लस क्वेश्चन नंबर 17 क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लेटिस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक इसका होता सेवेंटी 74 परसेंट तो इसका आंसर होगा ए

स्टूडेंट अगर कमेंट करेंगे सौ अगर कमेंट आ गया और एक ही आदमी का एक ही स्टूडेंट का नहीं आएगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट का आएगा तो मैं वीडियो एकदम डिटेल से बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी हैज बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ऑफ बोथ ए एंड बी द मिक्सचर इज आंसर सी नन आइडियल सोलूशन विथिटिव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इसका आंसर होगा सी ठीक है क्वेश्चन फॉर ए सेल, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नहीं बल्कि करेक्ट ऑप्शन है आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी टू वाट मास बी एडेड टू सिक्स हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय टेन डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा टू नाइन्टी सेवन ग्राम और ये सब देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इस सब, इस सब के लिए आपको सीखना पड़ेगा और इस सबको सीखना है तो आपको वही बात बोलेंगे कमेंट अधिक से अधिक करना है वन हंड्रेड प्लस कमेंट आएगा तो मैं निश्चित रूप से इसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आऊंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन लाइम इज एडेड विच एक्ट्स एज आंसर होगा ए फ्लक्स क्वेश्चन नंबर 24 द नंबर ऑफ पीओपी ब्रिजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10 इसका आंसर होगा 6 डी नंबर ऑप्शन द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शैल ऑफ फास्फोरस इज 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 5 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर मतलब सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cu ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 इज मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Cu इज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए आर 3d10 for s1 question number 27 e0 reduction of three metals a b c r respectively plus 0.5 volt minus 3.0 volt and minus 1.2 volt the order order of reducing power of these metals is इसका आंसर होगा डी बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए और ये सारे चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है उसको समझना पड़ता है इसका एक्सप्लेनेशन है तो खैर अभी इसका सिर्फ मैं आंसर बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज तो इसका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं सी टू एच फाइव बी आर प्लस टू एन ए प्लस सी एच थ्री बी आर ड्राई इसका आंसर होगा इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन मिक्सचर ऑफ इथेन प्रोपेन एंड ब्यूटेन कैसे होगा इस सारी चीज का एक्सप्लेनेशन अगर वही बात है अधिक से अधिक कमेंट आएगा तो मैं इसको जरूर से जरूर बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सी एच थ्री सी एच ओ प्लस टू एच एल आई एल एच फोर इक्वल इक्वल टू एच इसका आंसर होगा ए सी एच थ्री सी एच टू ओ एच क्वेश्चन नंबर थर्टी टॉलविन प्लस सी एल टू हीट सनलाइट इक्वल टू हियर ए हियर ए इज इसका आंसर होगा ए और ये मेरा फर्स्ट वीडियो में भी आ चुका है uh, ये हम बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन दूपेक नेम ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो इज इसका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है लेकिन इसका ऑप्शन आगे दिखेगा तो ऑप्शन यहाँ रहा इसका uh, आंसर होगा सी नंबर थ्री ब्रोमो वन क्लोरोस क्सीन और इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हाइड्रेशन ऑफ प्रोपिन इन द प्रजेंस ऑफ डाइल्यूट एच फोर गिफ्ट इसका आंसर होगा बी बत्तीस थर्टी टू का बी होगा बाकी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है रिएक्शन ऑफ एच सी एच ओ विद सी एच थ्री एम जी बी आर फॉलोड बाई हाइड्रोलिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा और ये सब रिएक्शन भी आपको बताएंगे आगे है 34 फोर सी टू एच इक्वल टू ए हियर ए इज इसका आंसर होगा 20 सॉरी ए CH2 डबल वन CH2 एच टू बोलते हैं इथिलीन आगे है लास्ट क्वेश्चन सी आई थ्री सी प्लस एच आई आर प्रोडक्ट होगा सी आई तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे आंसर को नोट कर लिए होंगे और अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए और सेट नंबर थ्री जल्द ही वीडियो आएगा तो वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन जरूर से जरूर हिट कर लीजिएगा और केमिस्ट्री के जबरदस्त जबरदस्त वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा विक्रम ट्यूटोरियल चैनल से बने रहना होगा तो थैंक यू वेरी मच और केमिस्ट्री अगर आपको करना है जबरदस्त तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए ताकि आप हो जाए मस्त थैंक यू वेरी मच